बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। हुकूमत का काम सिखाएं जनाब चेयरमैन। ये लोग जो है ना, ये दो काम कर रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं। अच्छा, नशैया चंदा मांगता है या उसके पास जो भी चीज है वो बेच देता है, ये नशे की निशानी होती है। मैं इनको नहीं, आपको नहीं कह रहा भाई, आप मत समझना। जी साहब, इधर जी मैं एक बात कर रहा हूँ, देख रहे हैं, मैं इन्हें नहीं कह रहा, आपका कोई ताल्लुक है नहीं है, ना चर्स से, ना कोकीन से, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूं कि ये एक नशे की निशानी होती है। लंबी स्पीच है तो जी मुशाहिद साहब कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूं कि ये नशे की निशानी होती है, उसके पास जो चीज हो, या चोरी करता है, इधर उठा के भेज देता है और फिर उसके बाद भीख मांगनी शुरू हो जाता है। असल काम मेहनत नहीं करेगा, बनाएगा नहीं कुछ, मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, जो हुकूमतों का काम होता है। इन्हें हुकूमत का काम सिखाएं जनाब चेयरमैन। ये लोग हुकूमत का काम सिखाएं जनाब चेयरमैन। ये लोग जो है ना, ये दो काम कर रहे हैं, एक चंदा मांग रहे हैं, एक चीजें बेच रहे हैं। अच्छा, नशे या चंदा मांगता है या उसके पास जो भी चीज है वो बेच देता है, ये नशे की निशानी होती है। मैं इनको नहीं, आपको नहीं कह रहा भाई, आप मत समझना। जी मैं एक बात कर रहा हूं, देख रहे हैं, मैं इन्हें नहीं कह रहा, आपका कोई ताल्लुक है नहीं है, ना चर्स से, ना कोकीन से, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूं कि ये एक नशे की निशानी होती है। लंबी स्पीच है तो जी मुशाहिद साहब कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूं कि ये नशे की निशानी होती है, उसके पास जो चीज हो, या चोरी करता है, इधर उठा के भेज देता है और फिर उसके बाद भीख मांगनी शुरू हो जाता है। असल काम मेहनत नहीं करेगा, बनाएगा नहीं कुछ, मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, जो हुकूमतों का काम होता है। इन्हें हुकूमत का काम सिखाएं जनाब चेयरमैन। लोग ये दो मरतबा मैंने वीडियो प्ले की है, छोटी होगी साइज में, वो कॉपीराइट का इशू होता है, लेकिन आपने सुन लिया होगा। मैं तो एक मर्द कलंदर के तौर पर मुशाहिदुल्ला खान को जानता हूँ। एक इंतहाई जीदार इंसान थे, दलेर इंसान थे। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी, खास तौर पर जब नवाज शरीफ का साथ तकरीबन सब लोग छोड़ गए थे, वही उनके साथ रहे। बहरहाल, ये आपने इसमें जो गुफ्तगू सुनी, ये सेनेट में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उनका एक खिताब था। वो उनके मरे हुए भी काफ़ी अरसा हो गया, इंतकाल किए हुए भी, लेकिन इसमें जो लोग जानते हैं कि जो नशा करने वाले जो लोग हैं उनकी कैफियत क्या होती है, उस नशे के लिए सबसे पहले अपने घर के बर्तन बेचते हैं, या पहले चंदा मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, या घर की चीजें बेच देते हैं। बहरहाल, मेरा ख्याल है ये वीडियो अपनी मिसाल आप है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, हमारे इनकलाब के दाई और रियासत मदीना के दाई, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि शायद आज नहीं तो कल मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। मुझे आप ये बताइए, क्या इनकलाब कंटेनर से आएगा? क्या इनकलाब ऐसे आता है कि आप रात को अपने घर जाकर आराम फरमाएं, सो जाएं, लोगों को नहता छोड़ दें गलियों में, बाजारों में, सड़कों पर, खुले आसमान तले? इनकलाब ऐसे नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि शायद ये उनसे मुतल्लिक ना हो, मेरे पास एक और वीडियो भी है, सोच रहा हूं कि आपको दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन चले आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ये सारी वीडियोस मेरी नहीं है। मैं जो बात करूंगा वो बैलेंस होके बात करूंगा कि आजकल ये बड़े चर्चे हैं ना कि इनकलाब के जो नए दाई हैं ये रात को भी चश्मा लगाते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो की थी, कुछ लोग कहते हैं जी इनकी आंख पे जख्म आया, इनकी आंख जाया होगी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन असल बात यह है
एक अंग्रेजी की मैंने रिसर्च की है और ये मैं आपके सामने रखता हूं और फिर आप खुद अंदाजा कीजिए। मैं इसका तर्जुमा भी आपको कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं यकीनन आपको तर्जुमा भी बताऊंगा इसका। ये कोकेन आईज होती हैं, कोकेन आईज जिस तरह होती है ना, मखमूर आंखें, इस तरह कोकेन वाली आंखें होती हैं अंग्रेजी में। कहते हैं ये कॉमनली नोन एज कोकेन प्यूपिल्स, ये जो इंसान की आंखों के अंदर जो डेले जिन्हें हम कहते हैं, कोकेन आईज रेफर टू द अपीयरेंस ऑफ द प्यूपिल्स प्यूपिल्स आफ्टर टेकिंग कोकेन, व्हाइल सम कॉमन ड्रग्स पिन पॉइंट टू द प्यूपिल्स मेक्स देम अपीयर स्मॉलर, कोकेन डायलेट्स देम मेक्स देम अपीयर लार्जर, बिकॉज कोकेन इज अ स्टिमुलेंट, इट एनकरेजेस द रिलीज ऑफ ब्रेन केमिकल्स एंड एंड्रोफिन्स इन लार्ज अमाउंट्स, द यूजर आईज रिएक्ट बाय एनलार्जिंग द प्यूपिल्स दस लीडिंग टू व्हाट इज नोन एज कोकेन आईज। फिर आगे चल के इसमें वजाहत की गई है कि व्हेन प्यूपिल्स डायलेट दे बिकम सेंसिटिव टू लाइट, देयरफॉर वेयरिंग सनग्लासेस व्हेन इट इजंट ब्राइट कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ कोकेन यूज, इट विल हेल्प टू लुक आउट फॉर सनग्लास यूज इन ऑड सिचुएशंस। लोबेलो बात यह है कि जनाब कुछ नशे ऐसे हैं जिनके करने से इंसान की आंखें नींद बंद हो जाती हैं ऐसे, और कुछ नशे ऐसे हैं जिनके करने से आपके डेले जो है वो बाहर आ जाते हैं, ये जो आई बॉल्स जिन्हें हम कहते हैं दे पॉप आउट, वो डायलेट हो जाती हैं। तो इसलिए उनको छुपाने के लिए बहुत से लोग कम रोशनी में भी ये डार्क शेड्स या डार्क आई ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। अब इस हवाले से ये तो आपको जवाब मिल गया। आजकल सोशल मीडिया पर यह बहस आम है, बहुत से यूट्यूबर्स ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मौसूफ जो इस वक्त लॉन्ग मार्च और फ्रस्ट्रेशन और ये स्टिमुलेंट है ना, बात कर ये मूड वक्ती तौर पर मूड को बढ़ा देता है, इन्हांस कर देता है आपकी, आप उस वक्त ये समझते हैं कि आप दुनिया के बादशाह हैं, दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान आप हैं। और मैं पहले भी दो तीन वीडियोज में ये जिक्र कर चुका हूं कि दुनिया के बहुत से मारूफ सेलिब्रिटीज इस कोकेन की ओवरडोज की हालत में या ओवरडोज की वजह से इंतकाल कर गए, मर गए बहुत से, मैं किस किस का नाम लूं, चलें वो जो किंग ऑफ पॉप एल्विस प्रेस्ली के बारे में कहते हैं कि वो ओवरडोज से उसकी हलाकत हुई, इसके अलावा विटनी ह्यूस्टन थी और बहुत से सेलिब्रिटीज हैं। और ये दुनिया में अभी तो हाल ही में वसीम अकरम ने अपनी सवाने उम्री में या वो ऑटोबायोग्राफी में उसने इंकशाफ किया है वसीम अकरम ने कि जनाब वो 2003 से 2002 या 3 से 2008 तक कोकेन के नशे में मुब्तला हो गया था, बल्कि एडिक्ट हो गया था, आदी हो गया था, और 5 साल तक वसीम अकरम भी ये नशा करते रहे। तो इसका आखिरी जो वो है वो देखिए कि व्हेन द पीपल्स डायलेट दे बिकम वेरी सेंसिटिव टू लाइट, यानी आंखें जब ये जो आई बॉल्स हैं ये डायलेट यानी फैल जाते हैं, इनकी डायलेशन हो जाती है, तो फिर ये रोशनी को नहीं देख सकते। मैंने उस दिन एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि बाद का मैं खुद सामने से इस तरह फ्लैश लाइट लगे तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी आंखों में भी दर्द या सर में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन वो उसकी कोई और वजह होगी यकीनन कोकेन नहीं है, लेकिन ये अब आप देखें कि ये इसकी एक वजह है। अब मेरा सिर्फ ये है कि क्या हम लोग अपनी जो हमारी जो नौजवान नस्ल है जिसे मालूम है कि इस वक्त हमारा कौन सा सियासी रहनुमा किस इल्लत में मुब्तला है, सब कुछ मालूम है, हम वालदैन जो हैं उनसे वो जो हमारी जो नौजवान नस्ल है जो हमारी औलाद है वो हमसे बेहतर समझती है, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, उनको सोशल मीडिया हर चीज का पता है, लेकिन इसके बावजूद ये कौम जो है किस लत में पड़ चुकी है, आप यकीन कीजिए दिस इज एन एडिक्शन कल्ट, फिर कल्ट बन जाता है, कल्ट बन गया है। अब मैं एक आखिरी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो भी दो मरतबा शेयर करूंगा,
लेकिन उससे पहले मैं आपसे इजाजत ही चाह सकता हूं, और यकीनन आप, मैं दिल की गहराइयों से ये कह रहा हूं कि मुझे ये वीडियो बनाते हुए तकलीफ और अफसोस हो रहा है, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं कौम को बताना चाहता हूं कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। स्याह को स्याह कहो, यानी काले को काला और सफेद को सफेद, सफेद को काला मत कहो और काले को सफेद मत कहो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। हमारे कंट्रोल में नहीं थी, शहजाद अख्तर ने जो रेफरेंस बनाया मनी लॉन्ड्रिंग का, वो आप कानूनी तौर पे चेक करवा ले, खुशबू का रेफरेंस है। बहुत जबरदस्त मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिससे एफआईए का केस है, उसी की बात कर रहा हूं। इससे सॉलिड केस आज तक कभी आया ही नहीं है, इससे ये कभी इस पे केस है क्या? 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे आ रहे और उधर से इनके इनकी फैमिली में जा रहा है, वो तो कोई और होता तो जेल में होता। एफआईए ने साइफर मामले पे शाह महमूद कुरैशी को तलब कर रखा है, इस पर रिस्पॉन्ड कर देगा सारा विक्टिमाइजेशन। खान साहब, जो सख्त बयान का ये बात किस तरफ जाएगी फिर? मेरी तरफ से कोई सख्ती नहीं है, मैंने कोई जवाब दिया है, सियासी बयान देना नहीं है, उसकी ऐसे बात नहीं करना कि जी मैंने इमरान खान को कहा था कि मैंने जब पूछा तो मैंने कहा इकोनॉमी के ऊपर करें और उन्होंने कहा कि नहीं इन चोरों को पकड़ो। जब वो ऐसी बयान देगा तो वो अपने ऊपर तनकीद लेगा, और मैं उसे पता होना चाहिए, 26 साल से कह रहा हूं कि जब तक आप चोरों को पकड़ के कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। चाइना ने 450 वजीर पकड़े थे, उनकी सबसे तेजी से इकोनॉमी ऊपर जा रही है। आप जो ये गलत स्टेटमेंट देने का वजह यह है कि उन्होंने अपने आप को कॉन्ट्रोवर्शियल किया।